कहानी की शुरुआत में हम एलिसिया को देखते हैं, जो कि कहती है कि आखिरकार मॉर्टल इतने गंदे क्यों है, उन सबको मर जाना चाहिए। वहीं पे हमें दूसरे और दिखाया जाता है जहां एक इंसान ने पूरे विलेज को तबाह कर दिया होता है, वहां के लोगों को मार दिया होता है, जो कि कह रहा होता है कि आखिरकार इंसान डीमन लॉर्ड को मानते क्यों है, उन सबको जीने का कोई भी हक नहीं है, उन सबको मर जाना चाहिए। वहीं पे हमें दिखाया जाता है इंपीरियल कैपिटल 7 वॉल कैसल ग्रैंडोस की, यहाँ पे जहाँ हम एलिसिया को देखते हैं जो कि काम वाली से बात कर रही होती है। काम वाली से कहती है कि काफी दिन हो गए उसने एलिसिया को नहीं देखा, एलिसिया कहती है वो एक मिशन में थी इसी वजह से वो काफी बिजी थी, पर ये काम वाली फिर चले जाती है। हम फिर देखते हैं यहाँ पे कोई सोल्जर आ जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो एलिसिया से पूछता है क्या उसने हिज मैजेस्टी को ग्रीनवुड की रिपोर्टिंग दे दी है, ये कहती है कि हाँ उसने ग्रीनवुड की रिपोर्टिंग दे दी है। इस बंदे का नाम सैडलर होता है। एलिसिया फिर से पूछती है कि सर सैडलर आपका क्या हुआ, आप तो साउथ विलेज के वहाँ गए थे ना, वहाँ पे क्या हुआ। सैडलर से बताता है कि इसने हर एक को मार दिया उस विलेज में, क्योंकि वो सभी के सभी डीमन लॉर्ड के ऊपर विश्वास रखते थे। एलिसिया फिर से पूछती है कि वो मॉर्टल रेस से हेट करता है, ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो उन्हें प्यार करता है क्योंकि इन सभी को गॉड ने बनाया, पर वो उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता जो कि डीमन लॉर्ड में मानते। एलिसिया फिर यहाँ से वापस जाने लग जाती है। सैडलर से पूछता है कि वो फेल्ट्रा में जा रही है, तो एलिसिया कहती है कि हाँ। ये इसे कहता है कि उसने सुना है कि फेल्ट्रा में कोई है जो कि डीमन लॉर्ड में मानता है, और उसने डीमन लॉर्ड की रिवाइव होने की भी अफवाह सुन रखी है जो कि वेस्टर्न सिटीज से आ रही है। वही हमें रैम के यहाँ दिखाया जाता है जो कि शेरा को समन की प्रैक्टिस करवा रही होती है। शेरा यहाँ पे अपनी पहली समन करने वाली होती है डियाबोलो के बाद। यहाँ पे वो एक बर्ड को समन करती है जो कि एक टर्की शूट बर्ड होता है जिसकी आंखें काफी ज्यादा तेज होती है। इसकी वजह से रैम इसे बताती है कि जिसने अगर इसे समन किया है तो इसकी आंखों से सब कुछ देख सकती है क्योंकि इसका समन है, पर यह सोचती है काफी ज्यादा बेकार है, ये तो सिर्फ देख सकती है, इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। रैम इसे कहती है कि हाँ ये ज्यादा काम करता नहीं है पर ये कई सारी चीजों में तुम्हारा काम आ सकता है, जिसके बाद रैम इसे फिर एक क्रिस्टल देती है जिससे ये इसे एक स्लेव को पट्टा पहना सकती है, और ये डियाबोलो को भी एक देती है जो कि इसने क्रॉस रिवर्स में कभी देखा ही नहीं था। शेरा फिर यहाँ पे स्पेल कास्ट करने लग जाती है। स्पेल कास्टने के बाद वो पत्थर अपने मुंह में लेती है और उसके सर पे किस कर देती है, जिसकी वजह से ये शेरा का अब स्लेव बन चुका है। रैम फिर शेरा को कहती है अच्छा हुआ इस बार मैजिक रिफ्लेक्ट नहीं। अब शेरा कहती है वो एक बर्ड की गुलाम नहीं बनना चाहती। उतने में डियाबोलो से कहता है कि ये टर्की शूट है ना, इसके बारे में मुझे कई सारी चीजें पता है और शायद से ये बर्ड शेरा के काफी काम आ सकता है। डियाबोलो फिर यहाँ पे एक सिक्के को लेता है हाथ में और उसे हवा में फेंक देता है और शेरा को वहाँ देखने के लिए कहता है, पर शेरा काफी दूर तक देखती है फिर भी उसे वो कॉइन नहीं दिखता। डियाबोलो फिर शेरा के समन को उसे भेजने के लिए कहता है। शेरा अपने समन को भेज देती है और वो पंछी हवा में उड़ जाता है। शेरा को फिर कुछ देर में एहसास होता है कि वो आसपास की सारी चीज देख पा रही है जो कि वो पंछी देख रही है। शेरा को इस चीज से काफी अच्छा लगता है। डियाबोलो फिर शेरा को कहता है क्या उसे कोई सिक्का दिख रहा है। शेरा फिर कहती है कि हाँ उसे सिक्का दिख गया है। डियाबोलो फिर शेरा को एरो से उस सिक्के के ऊपर निशाना लगाने के लिए कहता है और शेरा ऐसे ही करती है और वो निशाना लग भी जाता है। शेरा इससे काफी ज्यादा खुश होती है। डियाबोलो फिर इन्हें कहता है कि किसी भी समन को तुम अपने हिसाब से यूज कर सकती हो अगर तुम्हें उसे यूज करना आता हो तो। रैम डियाबोलो से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। वो कहती है कि उसे पता नहीं था कि डियाबोलो को इतना कुछ आता है, पर डियाबोलो ने ये सारी चीज तो गेमिंग गाइड से सीखी होती है। शेरा को पहले लगा था कि उसने एकदम बेकार समन किया पर उसे अब काफी अच्छा लग रहा होता है। उतने में उसे कुछ स्मेल आती है। उसके बाद वो रैम को कहती है कि रैम को अब नहा लेना चाहिए, उसने काफी दिनों से नहाया नहीं है। रैम इसे कहती है इसके शरीर से बिल्कुल बदबू नहीं आ रही है। शेरा फिर कहती है तुम डियाबोलो से भी पूछ सकती हो। डियाबोलो कहता है कि इसमें मैं क्या करूं। रैम फिर से कहती है कि अगर तुम ऐसा करते रहोगी तो उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। शेरा फिर कहती है कि हम एक साथ क्यों नहीं नहा लेते। डियाबोलो सोचता है एक साथ नहा लेंगे। वहीं पे हम देखते हैं शेरा के फिर कपड़े उतर जाते हैं और साथ ही साथ रैम के भी। डियाबोलो हैरान होता है कि तुम्हारे पास स्विम सूट नहीं है क्या। शेरा इसे कहती है कि स्विम सूट क्या होता है। उतने में रैम भी कहती है तो नॉर्मल बात है, कपड़े उतार के तभी तो तुम नहा सकते हो। पर यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि तुम दोनों वहां पे नहा लो और अपनी जो स्मेल है उसे भगाओ, मैं जब तक यहाँ पे छुपा हुआ हूँ मैं तुम दोनों को नहीं देख सकता ऐसी हालत में। इतने में ये दोनों कहती है इन दोनों के अंदर से बिल्कुल स्मेल नहीं आती। ये दोनों फिर नहाना चालू कर देती है। यहाँ पे फिर रैम इसे डांटती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसके अंदर से स्मेल आ रही है। उतने में शेरा इसे चाटने लग जाती है। रैम इसे मना करती है चाटने के लिए पर शेरा रुकती नहीं है। शेरा फिर रैम को उसे चाटने के लिए कहती है पर रैम कहती है तुम कितनी अजीब हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं चाटने वाली, और उसके बलून्स के साथ ये खिलवाड़ करने लग जाती है और उसे फैट बुलाती है। वहीं पे हम देखते डियाबोलो को जिसकी हालत पतली हो रही थी। वो सोचता है कि उसे पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए पर वो देखता नहीं है। पर अचानक से रैम की चिल्लाने की आवाज आती है। डियाबोलो जब मुड़ के देखता है तो देखता है यहाँ पे एडलगार्ड होती है। यहाँ पे डियाबोलो से पूछता है आखिरकार एडलगार्ड यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे ये कहती है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आई है आज, इसे किसी पर्सन ने बताया कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड उसे मिल सकती है और डीमन लॉर्ड की सोल जो है वो रैम के अंदर से वो महसूस कर सकती है। मतलब अब एडलगार्ड को भी पता चल गया है कि रैम के अंदर डीमन लॉर्ड की आत्मा है, पर शेरा को पता नहीं होता। और शेरा रैम से पूछती है आखिरकार ये सब क्या कर रही है, तो यहाँ पर रैम इसे बताने के लिए तैयार हो जाती है और शाम तक सब कुछ इसे बता देती है। रैम शेरा को समझाती है कि वो नहीं चाहती थी कि शेरा इतने बड़े सीक्रेट को अपने सर के ऊपर ढोते रहे, पर शेरा इसको गले लगा लेती है और कहती है कि रैम को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा शेरा उसके साथ रहेगी और जब भी वो प्रॉब्लम में होगी वो हमेशा उसकी हेल्प करेगी।
लिए। रैम्पियर से कहती है इसे किसी भी हाल में डीमन लॉर्ड को हरा के रहना। उतने में अर्ल गार्डी ने कह दी कि क्या तुम लोग सचमुच डीमन लॉर्ड को हराना चाहते हो। रैम्पियर से कहती है इसके लिए उसके पास कुछ सवाल है। उसने सोचा था जब भी किसी फॉलन को पता चलेगा कि उसके अंदर डीमन लॉर्ड की आत्मा है, वो उसे मार देंगी। अर्ल गार्डी से बताती कि डीमन लॉर्ड को वापस जिंदा करना ये कोई आसान बात नहीं है। ये फिर डियाबोलो को बताती कि एक रिचुअल होता है जिसकी वजह से इसकी जान को ज्यादा खतरा नहीं होगा और डीमन लॉर्ड भी वापस रिवाइव हो जाएगा। पर इसे पता है डियाबोलो इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, इसी वजह से डियाबोलो को वो रिचुअल सिखाएगी और ये सिर्फ देखेगी, ये रैम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी। डियाबोलो फिर सोचता है कि आखिरकार इसने रैम को वादा किया था वो इसे पूरा कर सकता है और रैम की जान को खतरा भी नहीं है। पर सवाल ये है कि क्रिबस क्लम को हरा पाएगा कि नहीं। पर इसके बावजूद डियाबोलो कहता है कि ठीक है तुम मुझे रिचुअल सिखाओ, मैं किसी भी हाल में रैम को इस चीज से आजाद करवा के रहूंगा और उस डीमन लॉर्ड को भी हरा दूंगा। पर यहाँ पे ये कहती है कि डीमन लॉर्ड को हराना इतना आसान नहीं है। पर डियाबोलो कहता है कि लगता है वो कुछ भूल रही है, वो दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है। ये दोनों फिर अपने अपने हथियार एक दूसरे के गर्दन के लगा देते हैं। अर्लगार्ड फिर से डियाबोलो को कहते हैं कि 3 दिन के बाद ये स्टारफोर्ड टावर के वहां पे वेट करेगी इसका। डियाबोलो इसकी बात के लिए मान जाता है और फाइनली वो रैम के कर्ज को हटा पाएगा और 3 दिन के बाद ये अपना स्कोर भी सेटल कर लेंगे। हमें फिर 3 दिन बाद दिखा जाता है जहाँ ये तीनों एक रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं। यहाँ पे एलिसी आ जाती है जो की डियाबोलो से बात करने के लिए आई होती है। वो इन सबको कहते हैं कि वो अभी अभी इंपीरियल कैपिटल से लौट के आई है। तो डियाबोलो पूछता है कि वो इतनी जल्दबाजी में क्या है। एलिसी फिर से बताती है कि डियाबोलो को किस दिन के लिए अपने इन में रहना पड़ेगा, यानी कि अपने रूम में कैद रहना पड़ेगा। डियाबोलो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, इंपीरियल सिटी में कुछ हुआ है क्या। ये डियाबोलो को बताती है कि सेडलर इसी टाउन में है जिसका लेवल 100 के ऊपर है, जो कि एक नाइट है और वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो कि डीमन लॉर्ड में मानते हैं। सेडलर उन लोगों से काफी नफरत करता है और वो उन्हें मार भी देता है। यही पे डीमन लॉर्ड यानी कि हमारा डियाबोलो सोच रहा होता है कि तो खुद ही क्लेम करता है कि वो डीमन लॉर्ड है। पर ये सोचता है कि एलिसी का ये आइडिया बढ़िया है कि वो अपने इन में बैठा रहेगा जब तक ये सेडलर के नाम का बंदा यहाँ से चले ना जाए। पर एलिसिया देखती है कि सेडलर इसके सामने आ जाता है। सेडलर एलिसिया कोई ढूंढ रहा था, वो उसे बात करना चाहता था। वो सोचता है कि एडवेंचरर एलिसिया के साथ आखिर क्या कर रहे हैं। सेडलर फिर अपना नाम बताता है और वो कौन है ये भी बताता है इन्हें। इसकी बातें सुनकर डियाबोलो की सटक जाती है, जिसके बाद वो कहता है उसका नाम डियाबोलो है जो कि दूसरी दुनिया से है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है पर अब काफी ज्यादा टाइम निकल चुका होता है। सेडलर डियाबोलो को कहता है कि वो काफी ज्यादा फनी है, उसने ऐसा सुना है कि एडवेंचरर काफी ज्यादा क्लेम करते हैं कि वो खुद एक डीमन लॉर्ड है। यहाँ पे एलिसिया भी इसको कवर करने की कोशिश करती है, पर सेडलर कहता है अगर ये जोक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एलिसिया उन लोगों के साथ घूम रही है जो कि डीमन लॉर्ड में मानते हैं। पर एलिसिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में यहाँ पे रैम कहती है सेडलर को कोई प्रॉब्लम है क्या, एलिसिया किसी से भी मिले। इतने में सेडलर को गुस्सा आ जाता है जो कि कहता है ये एक स्लेव होगी उतनी ज्यादा रूड है, उसे अपनी औकात में रहना चाहिए, जिसके बाद वो डिमांड पनिशमेंट का यूज करता है और रैम की सांस से रुकने लग जाती है। सेडलर फिर इसे बताता है कि गॉड ने इसे पावर दी है ताकि वो उन लोगों को पनिश कर सके जिन्हें पनिश किया जाए। डियाबोलो को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो रैम को देखता है तो उसके गर्दन के ऊपर किसी ने एक मैजिक का यूज किया होता है। तो डियाबोलो इसे कहता है कि वो काफी ज्यादा स्टूपिड स्टंट कर रहा है क्योंकि वो किसी काम का नहीं और वो इसे एक डिवाइन पनिशमेंट का नाम देता है। डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके रैम के गले से उस मैजिक के बैरियर को तोड़ देता है। यहाँ पे फिर ये पूछता है कि लगता है डियाबोलो को गॉड के पावर के ऊपर शक है। डियाबोलो इसे कहता है कि ऐसी स्टूपिड मैजिक उसके ऊपर काम नहीं आने वाली, जिसके बाद सेडलर अपनी पावर का यूज करके डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। पर डियाबोलो उस पावर को रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि सेडलर के ऊपर हो जाता है और सेडलर एक मूर्ति बन जाता है। एलिसिया डियाबोलो से पूछती है आखिरकार सेडलर को हुआ क्या। डियाबोलो से बताता है कि सेडलर ने इसके ऊपर पावर का यूज करने की कोशिश की पर डियाबोलो ने उसे रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सेडलर अपनी जाल में खुद फंस गया। पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सेडलर अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पे फिर सेडलर के आदमी उसे कंधे पे उठा के यहाँ से ले जाते हैं। फिर डियाबोलो को कहती है कि सेडलर को ऐसे जाने देना ठीक रहेगा क्या। तो डियाबोलो कहता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या उसे मैं मार दूं। एलिसिया कहती है उसका ये मतलब नहीं था। पर डियाबोलो कहता है कि चिंता मत करो, अगर उसने उसके ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो डियाबोलो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएगा। वही हम देखते हैं शाम हो जाती है और रैम के डी स्टारफॉल टावर पे जाने का समय हो चुका होता है। डियाबोलो फिर इन दोनों को कहता है कि चलो स्टारफॉल टावर में चलने का समय हो चुका है। पर शरा कहती है हमें एलिसिया को बता देना चाहिए, वो समझ जाएगी। पर डियाबोलो कहता है कि वो इंपीरियल नाइट है, वो बिल्कुल भी इस चीज को समझ नहीं सकती। रैम डियाबोलो को कहती है कि उसे पता है पर फिर भी वो एलिसिया के ऊपर विश्वास करना चाहती है क्योंकि एलिसिया ने इनका काफी ज्यादा साथ दिया होता है और रैम एलिसिया को भी शरा जैसी अपनी एक दोस्त मानती है। ये फिर एलिसिया को सब कुछ बता देते हैं। एलिसिया कहती है कि शरा काफी चीजों से गुजरी होगी पर शरा को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी भी हाल में शरा की मदद करके रहेगी। वहीं पे हम देखते हैं एडलर को जो कि स्टारफॉल टावर में वेट कर रही होती है और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब कंटिन्यू हो जाती है। आज के लिए ये 3 वीडियो काफी रहेंगे गाइस, मैं कल वीडियो डाल दूंगा और भी कई नई नई वीडियोस डालूंगा। और यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो आई रिकॉर्डेड एज अ स्लाइम उसे भी एक्सप्लेन करूंगा जल्दी, तो चिंता मत करो। और यार बात रही जो नहीं आने वाली एनिमीज, तो बिल्कुल नहीं आएंगी,
जैसे कि सिंचैन एंड वगैरह वगैरह। बाकी जो मेरे हद में रहेंगे वो कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, और जो दूसरा चैनल है उस पर भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगे उस पर भी, तो चिंता मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।